मेरे प्यारे दोस्तों, आप जी रहे हैं या जिंदा दिली हैं और जिंदगी जीने का मजा ले रहे हैं? अब आइए मैं आपको बताता हूं। अगर जिंदगी में कुछ करना है और सचमुच जिंदगी जीना है तो आपको जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए। जैसे ये फकीर योगी भृंगरोही का जो सबसे चहेता चीज है वो है द बेस्ट कार्स, पोर्शे का BMW X5, X6, लैंड रोवर, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर। ये सब गाड़ियां इतने मुझे पसंद है कि इसको पाने के लिए मैं स्वर्ग को भी धरती पर उतार सकता हूँ। मैं कुबेर के सारे धन संपत्तियों को लूट सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे दीवाना बना देता है, ये मुझे पागल बना देता है। क्योंकि तभी मजा है जब कोई चीज आपको आकर्षित करता हो। लैला मजनू में भी यही था, एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो आपको अगर किसी भी वस्तु से सचमुच प्रेम है तो उसको पाने के लिए आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। तो जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हारे मन को खींचता हो, आपको बार बार प्रेरित करता हो कि हर कुर्बानी दे दो। जैसे भगत सिंह आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए, उसमें मजा था, उनको जोश था, जज्बा था, वो कोई परेशानी में ये काम नहीं कर रहे थे, दीवानगी थी। तो लक्ष्य तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य ऐसा हो जिसे पाने के लिए आप कुछ भी कुर्बानी दे सकते हो। मैं फकीर हूं, गरीब से गरीब, घर में पैदा लिया, खाने को नहीं थे, लेकिन आज तक मैंने 20-25 कारें खरीद ली है। ऑफ कोर्स ये 10-15 लाख के अंदर का ही कार था, लेकिन जो भी मेरी क्षमता थी उन कारों को खरीदा। और वो कार मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि जान की बाजी भी लगाने को मैं तैयार था। जब मैं NMDC में नौकरी कर रहा था तो मैंने कम से कम 11 से 12 कार खरीदे थे। और वहाँ का दुष्ट एस वेंकटेशन डायरेक्टर प्रोडक्शन था, जोशी डायरेक्टर पर्सनल था, उन गद्दारों ने मुझ पर कार खरीदने और बेचने का ट्रेडिंग के रूप में अपमानित किया। लेकिन उस दुष्ट को ये नहीं मालूम था कि आपकी ये निजी राय है, आप किसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। अरे गद्दार, अगर राइट ब्रदर्स हवा में उड़ने की कल्पना नहीं करते तो आज एरोप्लेन नहीं होता। अगर मेरा दोस्त हेनरी फोर्ड प्रैक्टिकल कार बनाने के लिए दिन रात प्रयास नहीं करता तो पूरी दुनिया में आज कार नहीं होती, तुम घोड़े और गधे पर चलते रहते। तो प्यारे दोस्तों, अगर किसी को किसी चीज से प्यार है तो इन दुष्टों सालों को क्या बिगड़ता है। ये साला वेंकटेशन, ये इडियट जोशे, ये साला सुरेश चंद्रा, विजिलेंस इंक्वायरी लगा दिया मुझ पर। मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि मुझे कार से बेहद प्यार है। प्यारे दोस्तों, कार तो मैं दर्जनों खरीद लिया, लेकिन पार्किंग कहाँ करूंगा? फ्लैट में एक फ्लैट खरीदा था, रेखा अपार्टमेंट हफसीपुरा में, स्ट्रीट नंबर 3 में। अब एक कार लगाए, दूसरे लोग लड़ने झगड़ने लगे, तो सोचा कि मैं जब कार खरीदूंगा तो 6 एकड़ जमीन खरीद लिया। अब मैं वहाँ 6000 कार भी पार्क कर सकता हूँ। ये दीवानगी, ये मजा और ये मस्ती। आपके जिंदगी में कौन चीज है जो खींचता है? मरे हुए बुजदिल इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुत्ते और जानवर की तरह जीता है, चोरी चमारी काम क्रोध मद लोभ में लिप्त रहता है और दारिंदगी करने में ही उसका जिंदगी गुजर जाता है। जिसे उत्तम सोच वाले आदमी हैं, वो जो चाहते हैं पा लेते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जाके प्रति जही सत स्नेहु, से तही पाई न कसन देहु, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां राह है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा, रहा किनारे बैठ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे फकीर गुरु पाइये, मन ही के प्रतीत, कहे कबीर गुरु पाइये, मन ही के प्रतीत, देख कर बहु विघ्न बाधा, घबराना नहीं, भग भरोसे जीना नहीं, आज का काम करना आज करना, समय बर्बाद नहीं करना। तुम्हारे लिए दुनिया में न कोई भय हो,
न कोई आतंक हो, केवल एक दृष्टि हो, एक लक्ष्य हो। चलते रहो, चलते रहो, जागते रहो, जागते रहो मेरी तरह। और मैं सबों को बोलता हूं, गरीब पैदा लिए तो क्या, लेकिन एंड्रू कार्नेगी की तरह दुनिया का सबसे धनवान होके मरना। मेरे सारे ऐसे महान दोस्त हैं, एलोन मस्क अभी ट्विटर को भी खरीदा, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नए नए प्रोजेक्ट। स्कूली कॉलेज के सर्टिफिकेट तो उन गद्दारों के लिए है जो नौकरी का भिखारी है, लतखोर जूतखोर के लिए है। लेकिन जो महान लोग होते वो दिमाग का इस्तेमाल करते, वो नौकरी नहीं खोजते, वो डिग्री नहीं लेते, और जो डिग्री पूछते हैं वो भी गद्दार है। दिमागी ताकत से ही डिग्री ली जाती है, और अगर सचमुच दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के कोई भी ऐसे कार्य हैं नो किए जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। देख कर बाधा विभिद बहु विघ्न घबराते नहीं। सुनिए महान व्यक्ति का चरित्र का विवरण, देख कर बाधा विभिद बहु विघ्न घबराते नहीं, भाग भरोसे रह कर दुख भोग पछताते नहीं। देख कर बाधा विभिद बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन देख उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। मारते जो भी है, सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, भूल कर भी वो कभी दूसरों के मुंह तकते नहीं। कौन ऐसा काम जिसे वो कर सकते नहीं। जोश है, जज्बा है, दिलेरी है, यही हूं मैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस। जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, जोश में आ जाओ, एनर्जी, इंथुसिज्म, पागलपनी, दीवानगी, कुछ कर दिखाओ। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, भाग भरोसे रह कर दुख भोग पछताते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जागो, डरो नहीं, आगे बढ़ो, मेहनत करो, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बह जाओ। ये सब करो, लेकिन वो अवश्य करो जिसमें तुम्हें मजा आए। जब मजा नहीं आएगा तो तुम महान नहीं हो सकते। एलोन मस्क को देखो, कितने बार फेल हो गए। स्पेसएक्स चला रहा है, मार्स पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार तूफान मचा दिया, धूम मचा दिया पूरी दुनिया में। मेरा एक प्रिय दोस्त था स्टीव जॉब, मर गया कैंसर से, पेनक्रियाटिक कैंसर से 11 में। लेकिन वो भी कैम्ब्रिज छोड़ दिया था। बिल गेट्स को देखो, कैम्ब्रिज छोड़ दिया था, लेकिन पकड़ लिया था दिमाग में आइडिया। मैं तो हूं ना तेरा बाप, मैं तो हूं ना तेरा भाग विधाता, मैं तो हूं तो तेरा मार्गदर्शक। सभी तो इतने महान नहीं हैं जिनके माता पिता इतने शिक्षित हैं। मैं तो सबका पिता हूं, सबका सेवक हूं, सबका राह दिखाने वाला एक फकीर हूं। लेकिन इसके लिए गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण एक बड़े से एक बड़े है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका भी जो जियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो बेटे, दुख भोग के मत पछताओ। मैं अहंकारी नहीं, मैं फकीर हूँ, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध से भी बढ़ के, स्वामी विवेकानंद का भी गुरु का प्रतिभा रखने वाला तुम्हारा सेवक, आधुनिक युग में तुम्हें प्रेरणा का स्रोत बन के आगे बढ़ा रहा हूँ। आनंद में जीवन हो, कल्याण में जीवन हो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये हीन भावना ही तुम्हें कम कर देगा।
अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो बुद्ध से आगे निकल जाओ, अगर तुम्हें एक महान संत बनना है, राष्ट्र निर्माण करना है, तो मोदी को पीछे छोड़ दो, योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ दो और विवेकानंद को भी पीछे छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर 5 से 6% अपने बुद्धि से ज्यादा प्रयोग नहीं किया। जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन था उसने केवल 7% अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया था। आगे बढ़ो, सबसे आगे जा सकते हो, लेकिन जाने के लिए हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए, जज्बा चाहिए, मर मिटने की तमन्ना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, देश और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी करने के लिए, लेकिन कुर्बानी थोड़े है भैया, मजा आता, देखो मुझे कितना मजा आ रहा। ओम शांति, ओम शांति। विजय बाबा धन्यवाद।